YouTube में जाकर सिटी न्यूज पलामू को सब्सक्राइब करें व बेल आइटम दबाकर पाए प्रमंडल की ताजा खबरें सबसे पहले सबसे आगे। अपनी मांगों को लेकर भाकपा माले ने बरवाडी प्रखंड इकाई के बैनर तले बेतला रेंज कार्यालय के समक्ष जमकर धरना प्रदर्शन किया व घंटों रेंज कार्यालय का घेराव कर वन विभाग के विरुद्ध नारेबाजी की। इस दौरान माले के वक्ताओं ने सरकार व वन विभाग के खिलाफ जमकर विरोध प्रकट किया, साथ ही भाजपा सरकार को गरीबों का शोषण करने वाला सरकार बतलाया। आगे कहा कि सरकार में किसान प्रतिदिन फांसी लगाकर अपनी जान दे रहे हैं। वहीं लोगों को आह्वान करते हुए कहा कि आगामी चुनाव में इस सरकार को उखाड़ फेंकने की जरूरत है। की गई है एक आफत की सरकार, रघुवर और मोदी की सरकार देश की जनता पर, इस राज्य की जनता के लिए ये आफत की सरकार बन गई है और हर मोर्चे पर ये विफल साबित हो रही है। ना लोगों को रोजगार दे रही है, ना लोगों को भोजन के अधिकार की गारंटी कर रही है, और जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है, जिस तरह से लूट बढ़ रहा है, आज इस सरकार को, जो मोदी सरकार अच्छे दिन के नाम पर आए थे, आज भारत की जनता इस सरकार से तबाह हो चुकी है और इस सरकार को विदा करने के लिए पूरे देश में अभियान में उतर गई है, सड़कों पर आंदोलन में उतर रही है। उस आंदोलन का ही ये एक अध्याय है आज बेतला के इलाके में, जो वन विभाग के द्वारा, इस सरकार के द्वारा यहाँ की जनता के ऊपर जो उत्पीड़न है, इनकी जो लूट है, इसके खिलाफ में अपने प्रतिवाद दर्ज करने आए हैं और इस सरकार से मांग करने आए हैं। अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो इस आंदोलन को और आगे बढ़ाएंगे और इस मोदी सरकार को, रघुवर सरकार को सदा सदा के लिए विदा करने की ओर अपनी लड़ाई को बढ़ाएंगे। भाकपा माले में किस पद पर कार्यरत थे? भाकपा माले के राज्य सचिव जनार्दन प्रसाद।